नमस्कार दैनिक सिंचाई में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार हम बार बार आप तक ये जानकारियां लाते हैं कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, उसे फॉलो करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और जब हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, ना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ना ही आपको भारी भरकम आपको चलान देने पड़ेंगे। इस समय हम आपको बता रहे हैं ये दृश्य, जो इस समय मोबाइल जो ये आप देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट अलोंग विद फर्स्ट क्लास जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट रजनी शर्मा द्वारा यहाँ पे मोबाइल कोर्ट है। यहाँ पर चलानिंग के कम की जा रही, पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पहले वार्निंग दी जा रही है कि किस तरह से ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। आज दिन आप देख रहे हैं किस तरह के बड़े बड़े हादसात होते हैं जिसमें कई युवाओं की, नौजवानों की जान जाती है। पहले आपको ये गाड़ी बताते हैं, आप ये देखिए गाड़ी जरूरी है कि कुछ दिन पहले ये गाड़ी आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही इसका मोबाइल लीगल सर्विसेज कम लोक अदालत, ये कुछ दिन पहले ही इसका जो कि इनॉग्रेशन हुआ था, जस्टिस एट द डोरस्टेप, न्याय आपके द्वार पर। अब ये आप देख रहे हैं जेएनके स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ये कुछ दिन पहले ही इस गाड़ी को इनॉग्रेट किया गया। और आप देख रहे हैं इस समय यानी कोर्ट जो है इस गाड़ी के अंदर ही लगी है, एक बहुत बड़ी बात। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे आपको इस समय म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं इस समय फर्स्ट क्लास मोबाइल मजिस्ट्रेट रजनी शर्मा यहाँ मौजूद है। आपको अंदर के हम दृश्य बताते हैं क्योंकि ये आप देख रहे हैं इस समय दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं, चलानिंग के कम की जा रही पर लोगों को अवेयर किया जा रहा, अवेयरनेस के माध्यम से, क्योंकि आए दिन आप देख किस तरह के बड़े बड़े हादसा होते, कई युवाओं की जान जाती है। और ये हमारी भी कहीं ना कहीं एक नागरिक की ड्यूटी बनती है, माता पिता की ड्यूटी बनती है। जब भी आप घरों से आपके बच्चे या खुद निकलते हैं, टू व्हीलर हो तो हेलमेट पहनना ना भूलें, और पिलियंस भी पीछे जो बैठ सवार होते हैं वो भी हेलमेट पहनना ना भूलें। और साथ ही साथ कहेंगे अगर फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट पहनना ना भूलें, क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं जब बड़ा हादसा होता है अगर हमने सीट बेल्ट पहनी हो तो उससे हमारी जान बच जाती, क्योंकि हम बताना चाहें एयर बैग जब खुल जाते हैं अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हो तो कहीं ना कहीं आपकी जान जोखिम में नहीं आती। इसीलिए बार बार ट्रैफिक पुलिस द्वारा, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कोर्ट ही पूरी लगी, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर रजनी शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर मौजूद है, पूरी टीम इनकी मौजूद है। और देखिए कापियां भी पकड़ी हुई हैं, कई बार जनता नाराज होती है पर ये लोग आपको परेशान करने के लिए ही, चाहे वो आप ट्रैफिक की बात करें चाहे इनकी बात करें, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमें भी जरूरी है कि अपनी सुरक्षा का दायित्व हम खुद अपने कंधों पर उठाएं, ताकि आपको ना ही भारी भरकम चालान देना पड़े और ना ही आप किसी परेशानी में पड़े। इस समय आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर विभाग का भी पूरा अमला मौजूद है और म्युनिसिपल जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं इनका काम है सैनिटेशन को देखना, और यहाँ पर पूरी कोर्ट यहाँ पर तैनात है। इस समय देख रहे हैं आप यहाँ पे स्पेशल मोबाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रैफिक रजनी शर्मा भी मौजूद है, पूरा ट्रैफिक का अमला भी मौजूद है, म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं इस समय जो दृश्य देख रहे हैं, पूरे तरह से ट्रैफिक वायलेटर्स को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें अवगत भी करवाया जा रहा है। और ये देखिए चलानिंग भी हो रही है, और ये देखिए लोगों को खुद जानना होगा कि क्यों हम सीट बेल्ट नहीं पहनते, जब हम घरों से निकलते हैं तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई,
हाई सिक्योरिटी नंबर भी, यहाँ पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है, तो फिर खुद सोचिए ये लोग चालान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर कहीं ना कहीं कहेंगे हमारी भी। ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं समय, बार बार ट्रैफिक विभाग की तरफ से, आरटीओ ऑफिस की तरफ से यही कहा गया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना कितना जरूरी है। तो आप खुद अगर परेशानी में अपने आप को डालते तो उसमें खुद सोचिए विभाग की या किसी और की क्या जिम्मेदारी। समय विक्रम डीएसपी ट्रैफिक जो है विक्रम कुमार भी हम मौजूद हैं और पूरी तरह से बातचीत करते हुए हम बार बार अपनी जनता से निवेदन करते हैं, जब हम पूरे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें किसी भी तरह की परेशानी की पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीट बेल्ट पहनते हैं, आप अगर भैया क्या हुआ, भैया बताओ क्या हुआ, आज कोर्ट भी लगा हुआ यहाँ पर, आज आपकी ड्यूटी। लोग कहते हैं ना कि हमें कोर्ट में नहीं जाना है, तो आज कोर्ट ही यहाँ लाया हुआ है। बिल्कुल, आपकी लोगों की सहूलियत के लिए कोर्ट यहाँ लगा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास मोबाइल मैजिस्ट्रेट ट्रैफिक भी बैठी है और साथ ही साथ म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट भी यहाँ बैठे हैं, यानी लोगों की आपत्ति भी इन्होंने दूर कर दी। जहाँ पे लोग कहते थे हम कोर्ट में नहीं जाना, हमें यहीं पे हमारा निपटारा कीजिए, आज जनाब कोर्ट को ही यहाँ लाकर खड़ा कर दिए, कोर्ट यहाँ पर आ गई, आज जनता की सुविधा है। और कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए लोग कहते थे कि कोर्ट में जाने से परहेज करते थे, पर अब कोर्ट भी यहाँ पर है और यहाँ पर विभाग भी यहाँ पर, यानी जो कहते थे हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, जनाब कोर्ट ही आपके डोरस्टेप पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बैठे हुए और बता रहे हम पूरी तरह से, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जरूरी है आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और समझिए, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, कि आपने किस तरह से अपने घर में जाना, किस तरह से अपने परिवार को खुशियां देनी है या उन्हें परेशानी में डालना है। फिलहाल ये कहेंगे कि कई लोगों की आपत्ति अभी भी हमने देखे, भैया कह रहे थे मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, तो जनाब आपके पीछे हम बता रहे हैं कोर्ट यहाँ पर ही आ गया है, तो आप बताइए आप कौन सा बहाना चलेगा। और इस समय लाइव दृश्य हम आपको गांधीनगर के बता रहे हैं, बिल्कुल टाइगर डिवीजन के बिल्कुल सामने के, जहां पर आपने बताया कुछ दिन पहले इस गाड़ी का जो कि इनॉग्रेशन हुआ था, मोबाइल लीगल सर्विसेज कम लोक अदालत, और ये यहां पर इस समय आपने देखा फूल भी अभी लगे हुए हैं पूरी तरह से, अभी कुछ दिन पहले इसका नागौर, साथ ही साथ जो मोबाइल यानी म्यूनसिपल मैजिस्ट्रेट है जिनका काम है सैनिटेशन का देखना या एनफोर्समेंट का देखना, वो ये काम देखते हैं, और फिर भी उसके बावजूद भी बार बार समय समय पर ट्रैफिक विभाग भी सक्रिय है कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए कि ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए। सैनिटेशन का, एनक्रोचमेंट का, जो जो लोग अपनी जो भी काम काज खोला हुआ है उन्होंने बिल्कुल सड़क के किनारे, अगर वहाँ गंदगी है या कोई सैनिटेशन की प्रॉब्लम है या आप लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो उनकी भी चलानिंग फिलहाल हो रही है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये म्यूनिसिपल जो मैजिस्ट्रेट के साथ पूरी टीम आई है वो भी यहाँ पर चलानिंग करते हुए, और कहीं ना कहीं आप स्वच्छता का अगर बात करें, हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, उसमें हम लोगों का भी योगदान होना बहुत ही जरूरी है। अब म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट भी यहाँ मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास मोबाइल मैजिस्ट्रेट जो कि रजनी शर्मा और ट्रैफिक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। अब आपको कोई आपत्ति नहीं है, अब कोशिश करिए आप भी ध्यान रखिएगा, सैनिटेशन का ध्यान रखिए, अगर आप काम काज करते हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। और जिनकी भी जो भी दुकानें हैं या रेहड़ियां फड़ी हैं उनकी बाहर भी अगर कोई गंदगी होगी या वो उस गंदगी के जिम्मेदार खुद हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं शिकंजा उन पर भी कसा जाएगा, तो कोशिश कीजिए।
और इस गाड़ी में बैठे हैं जिसमें पूरा कोट लगा हुआ है। आज ही इस गाड़ी का इनॉग्रेशन हुआ है और आप बड़ी सुंदर गाड़ी है, यानी अब लोगों की आपत्ति, लोगों की परेशानी दूर, ना आपको कोर्ट में जाकर अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, यहीं पर कोर्ट, यहीं पर सब आपको मिल जाएगा। इस समय के लाइव दृश्य, और जो म्युनिसिपल मैजिस्ट्रेट है उनका नाम है मयंक गुप्ता, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। और जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ट्रैफिक, वो है रजनी शर्मा जी। और मयंक गुप्ता जो म्युनिसिपल मैजिस्ट्रेट है उनका काम है सैनिटेशन का देखना, एनक्रोचमेंट को देखना कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। चलिए इस समय आपको आगे गाड़ी का फ्रंट बता देते हैं जिसका आज ही इनॉग्रेशन हुआ है। ये समय आपको लाइव दृश्य, ये आज ही मोबाइल लीगल सर्विसेज कम लोक अदालत, ये आज ही इस गाड़ी का इनॉग्रेशन हुआ है। और जस्टिस ऑन व्हील्स एट योर डोरस्टेप, यानी लोगों को काफी आपत्ति आती थी, लोग कहते थे हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमने कोर्ट में नहीं जाना। अब आपके डोर स्टेप पर, यानी यहीं पे अगर आपका चलान होता है, अब कोर्ट में नहीं, यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है कोर्ट की वो भी बैठी हैं, और साथ ही साथ अगर आपके रेहड़ी पड़ी जो आगे पीछे दुकान है अगर उनका चलान होता है तो यहाँ पर म्युनिसिपल मैजिस्ट्रेट मयंक गुप्ता भी बैठे हुए हैं। यानी दोनों आपके आपके समय को, आपके काम को सरल बनाने के लिए, आपके समय की बचत के लिए, ये आपके लिए जो सुविधा दी है जनता के समय बचाने के लिए। शिकायतें रहती थी काफ़ी सारी, पर कोशिश कीजिए आप लोग इन शिकायतों में ना आइए। अब देखिए बसों को भी, इनका भी चेकिंग की जा रही है पूरी तरह से, और पूरी टीम यहाँ पर ट्रैफिक विभाग की, जिसमें डीएसपी विक्रम कुमार भी यहाँ मौजूद है। और आप देखिए समय, माना ठंड बहुत है जनाब, तो वो हेलमेट भी पहननी चाहिए आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, ये आप लोगों को समझना होगा, हम लोगों को समझना होगा। ट्रैफिक रूल सबके लिए एक जैसे है, चाहे वो कोई पुलिस कर्मी हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो ट्रैफिक कर्मी हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, तो इसीलिए ये चीज़ें हमें भी समझनी होगी। क्यों खुद को इस परेशानी में डालना कि आपको चलान का भुगतान करना पड़े या आप किसी लीगल परेशानी में पड़ जाए, तो कोशिश कीजिए खुद ही जिम्मेदारी को समझिए। और देखिए अगर गलती होती तो गलती मानकर सॉरी भी बोल सकते हैं आप, और ये लोग अवेयर भी कर रहे हैं चलानिंग से पहले, ये लोग अवेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि, पर अगर आप बहस मुबासा करते हैं, अगर आप बहस मुबासा करते हैं तो खुद सोचिए, फिर आप उम्मीद करते हैं कि इनसे आपको रियायत मिले। अभी कहा ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, यानी जे एंड के गवर्नमेंट लिखा। और देखिए जनाब ने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई है, अगर अगर सीट बेल्ट भी जनाब ने नहीं पहनी हुई है, यानी अगर गवर्नमेंट इदारे की गाड़ी है तो सीट बेल्ट पहनना कि आपको माफ है जनाब, ये बड़ा सवाल है। यानी कानून तो सबके लिए बराबर है, सर कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है?
रेवेन्यू की तो सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी? लगाई थी मैडम, लगाई थी। तो खोली क्यों आपने? मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, लगाई थी, अभी भी लगी है माता। आराम से भैया, देखिए इसका मतलब थोड़ी गवर्नमेंट की गाड़ी तो आप बेल्ट ही नहीं, सीट बेल्ट ही ना पहने। लगाई थी मैडम। कहाँ लगाई? लगाई थी, ट्रैफिक वाले आपको पकड़ने गया, पीछे वाले उन्होंने देखा लगाई थी। तो खोली नहीं, खोली अभी नहीं, खोली पहले भी नहीं खोली, अभी भी हमने दिखाया आपको खोली हुई थी। नहीं मैडम देख लो, अभी भी नहीं लगाई, हमने खोली हुई देखा। ये मेरी रोजी है, कभी नहीं कैमरे से बताया आपको खोली हुई थी आपने? नहीं बताइए, हम लाइव में दिखा, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए हम तो झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको जानते नहीं है, पर जो चीज है नहीं हुई, गलती हुई है तो उसको मानना चाहिए ना आपने। ठीक है, थैंक यू मैडम, सॉरी। देखिए ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भैया जी हैं, ये कह रहे थे मैंने डाली, पर हमने लाइव में आपको बताया इन्होंने नहीं डाली हुई थी बेल्ट, पर फिर भी कह रहे मैंने पहनी हुई थी बेल्ट। और ये यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, उसके बाद ये और उसके बावजूद इन्होंने बेल्ट सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, तो खुद सोचिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं तो क्या इन्हें माफ है कि सीट बेल्ट ना पहने? यानी बड़ी गाड़ी तो हमने ले ली डिपार्टमेंट की, ऊपर से बत्ती भी लगी है, ब्लू बत्ती भी लगी हुई गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद इन्होंने बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। ये लोक अदालत जो आप देख रहे हैं इस समय, और ये गाड़ी जो कि मोबाइल कोर्ट है जिसमें म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट मयंक गुप्ता जी बैठे, और साथ ही साथ स्पेशल मोबाइल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रजनी शर्मा जी ट्रैफिक जो बैठी हुई हैं। और देखिए आपके सामने की बात है, खुद बताइए गलती किसकी है? अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं अपनी हो या एडमिनिस्ट्रेशन की या गवर्नमेंट की हो, तो क्या लगता है आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना है? ये बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबको, सब पर शिकंजा कसा जाएगा, चाहे कोई वीआईपी गाड़ी हो अगर जो ट्रैफिक रूल का वायलेट करेगा, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की गाड़ी हो। सर आप इधर करो, आप इधर ही करा लो, इधर ही खत्म हो जाएगी बात। अभी आपकी गाड़ी सीज होगी, आपके पास बैंक ऑफ एंट्री में आपके पास ऑनलाइन, ठीक है सर, आप ऑनलाइन करा लो। नहीं सर मैं घर से ले आता ना कागज। आप घर पत्र में आपका क्या, आप इतने जैसे वही बैठेंगे आपके पास? सर फिर वही कह रहा हूँ ना, फिर क्या मिलूँ विक्रम जी? आज अभी ट्रैफिक वाले ने, विक्रम सर अभी ट्रैफिक वालों ने एक गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गाड़ी भी पकड़ी है, वही हम बताना चाहते हैं रूल सबके लिए बराबर है। क्या चीज? अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गाड़ी भी पकड़ी जिसमें सीट बेल्ट नहीं ड्राइवर ने पहनी हुई, रूल सबके लिए बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अभी हमने देखा वो ट्रैफिक वालों ने रोकी है गाड़ी। किसने रोकी है? ये अभी रोकी गाड़ी, क्योंकि उस पर लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंट कोई भी हो, शिकंजा तो सब पर कसेगा ना? नहीं, जो ट्रैफिक रूल तो सबके लिए बराबर है, ठीक है? हाँ, लेकिन आज जो अभी जैसे बीच में अवेयरनेस भी कर रहे हैं, है ना, काफी लोग अवेयर भी कर रहे हैं ना, हाँ, जैसे किसने नहीं पहनी है उसको बता भी रहे हैं कि आप ये आपके लिए ही जरूरी है, आपके लिए ही जरूरी है। अब देखो जो भी विजिबल, अब कुछ दिनों बाद तो आपकी ये चीजें भी कोई आपको पकड़ेगा भी नहीं, समझाएगा भी नहीं, है ना, आपको कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी, चालान घर पे आएगा। तो मकसद यही है कि लोग जो है मैक्सिमम ट्रैफिक रूल को जो है फॉलो करें। आप देखिए इस समय मोबाइल कोर्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं लगी हुई है लोक अदालत, और आपको बता रहे हैं यहाँ पर अंदर जो बैठे हैं मयंक गुप्ता जो म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट है, और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रैफिक रजनी शर्मा जी मौजूद है, और पूरी तरह से और लोग देखिए किस तरह से भागने की भी कोशिश करते हैं। अरे समझिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए, और देखिए भागे चकमा देकर। इस चकमे के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, आप हादसा का शिकार भी। हमने आपको पूरी
विजुअल बताया इस समय गांधीनगर के, जहां पर लोक अदालत लगी हुई है और जिस गाड़ी में ये बैठे पूरी कोर्ट लगी है, ये आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें ये कहेंगे म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट मयंक गुप्ता जी बैठे हैं और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रैफिक रजनी शर्मा जी मौजूद हैं और यहाँ पर आम जनता को अवगत करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमने बताया ट्रैफिक का पूरा अमला यहाँ मौजूद है, जिसमें DSP विक्रम कुमार जी भी है। सबसे पहले जनता को समझाया जा रहा है, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी उन्हें यही बताया जा रहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए, और अगर जिनको कोई ज्यादा ही उनके विजिबल जो ऑफेंस है, अगर नहीं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते, उसके बावजूद यो गाड़ी नहीं रोकते या समझते नहीं, उनके चलान भी, या जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके चलान भी हो रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं किस कदर माहौल है, किस कदर जो ये कहेंगे कि आतंकी गतिविधियां, आतंकी किसी भी तरह से किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का लगातार प्रयास करेंगे, माहौल में जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास करते हैं, तो उसी के चलते ये सुरक्षा, ये सिक्योरिटी आप लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, तो इसीलिए हमें साथ देना होगा, चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो ऑनरेबल कोर्ट हो या कोई और किसी और माध्यम से, जिसमें जनता का हित हो हमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा आपकी सुरक्षा हमारे खुद के कंधों पर है। तो कोशिश कीजिए ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, ताकि ना ही आप चलान के झंझट में पड़े, ना ही आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।